नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में, जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात करते हैं, वहीं पर उन्नाव में मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का काम जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। जनपद में उन्नाव हरदोई मार्ग पुल पर जिला प्रशासन को मुंह चढ़ाते गड्ढे किसी को नहीं दिख रहे। पुल चढ़ते समय और उतरते समय दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे मौत को दावत देते देखे जा सकते हैं। इन गड्ढों से गुजरने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राहगीरों से बात करने पर बताया जानकारी मिली है कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, लेकिन प्रशासन को इस खबर पर कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी से सदर विधायक पंकज गुप्ता के आवास के ठीक सामने बने चौराहे पर ये गड्ढे मौत को दावत देते नजर आ रहे हैं। इसी मार्ग पर जनपद के सभी आला अधिकारियों सहित नेताओं का रोज का आवागमन होता है, लेकिन इन मौत को दावत देते गड्ढों पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। बता दें कि 2017 में जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो सीधे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कों को सबसे पहले गड्ढा मुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार की मंशा पर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्नाव की, जहां पर पुल पर इतने गड्ढे हैं कि इस पर सड़क बनी भी है या नहीं ये बता पाना मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाने का काम जिला प्रशासन कर रहा है। उन्नाव हरदोई मार्ग पर जो पुल है, जिला प्रशासन को मुंह चढ़ाते गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि मौत का कारण बन रहे हैं, हादसों को दावत दे रहे हैं। कई वाहन सैकड़ों की संख्या में रोजाना इस पर से गुजरते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस ओर ध्यान नहीं देता है। राहगीरों की अगर बात करें तो उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। बीजेपी से सदर विधायक पंकज गुप्ता के आवास के ठीक सामने चौराहा जो बना है, वहां पर भी ये गड्ढे मौत को दावत देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये वही तस्वीरें हैं जो हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हमने देखा। इसी मार्ग से जनपद के सभी आला अधिकारियों सहित नेताओं का रोज का आना जाना है, लेकिन इन मौत को दावत देते गड्ढों पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। आकाश जी, हरदोई पुल से आप गुजर रहे हैं, इस तरह के दिक्कतें होती है, गड्ढे बहुत बड़े हैं। सर, ये गड्ढे आप देख चुना किस तरीके से निकलने बैठने में गाड़ी सवारी बैठी होती है, वो पलट जाए गाड़ी, ये भी बचाना पड़ता है सब लोगों को। और यहाँ प्रशासन से सबको रहता कोई ध्यान ही नहीं देता है। ये नहीं गड्ढे हटे हैं उसमें मट्टी डलवा दे, कम से कम निकलने बैठने कम से कम तकलीफ ना हो। छोटी बड़ी गाड़ी सब निकलती, कोई भी हादसा हो सकता है यहाँ पर। आप इस तरह हरदोई पुल से निकल रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें देखना किस तरह का गड्ढा है। जी जी, क्या लगता है तमाम तरह के हादसे भी होते हैं? जी जी, इतनी बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही है सर। अभी गड्ढे नहीं होने की इससे बहुत दिक्कत आती है, रात में तो और ही दिक्कत आती है। यहाँ सैकड़ों लोग आगे निकल, जी जी जी, बहुत दिक्कत आ रही है, उसके तुरंत उसे निदान होना चाहिए। जहां पर सड़कों पर गड्ढे इतने ज्यादा हैं कि सड़कें कहाँ हैं, गड्ढे कहाँ हैं, बता पाना मुश्किल हो जाता है। बरसात के मौसम में और ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। बीते दिनों की बात करें तो बीते दिनों पूरे उत्तर भारत में झमाझम बारिश हुई है और इन गड्ढों में पानी भर चुका है। ऐसे में कई राहगीर ऐसे हैं जो हादसे का शिकार हो गए हैं। कई ई रिक्शा जब यहाँ से गुजरते हैं तो पलट जाती है, कई लोग चोटिल हो जाते हैं, लेकिन इस ओर प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। ये हालात तब हैं जब उत्तर प्रदेश में इस वक्त निकाय चुनाव को लेकर पूरा माहौल बना हुआ है और पहले चरण का कल मतदान भी होना है। उससे पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि नगर निगम में कितने बेहतर तरीके से काम हुआ है। तो 5 सालों तक जिनको जनता ने चुना वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके हिसाब से सब काम बखूबी हो रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो चुकी है, लेकिन हकीकत क्या है वो ग्राउंड जीरो पर जब न्यूज़ वन इंडिया पहुंचा है और देखा है। देखिए, लिख तो दिया है कि हम उन्नाव में रहते हैं, हम उन्नाव से बहुत प्यार करते हैं, हम उन्नाव को पसंद भी करते हैं, लेकिन उन्नाव में जो
आला अधिकारी हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ठीक तरीके से काम कर रहे होते तो सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे नहीं होते, जो कि जब आप पुल पे चढ़ेंगे तब भी आपको गड्ढे मिल जाएंगे और जब आप पुल से उतरने की कोशिश करेंगे तब भी आपको गड्ढे मिल जाएंगे। जहां 15 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है, वहां पर आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि लोग धीमे गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि कई बार तेज रफ्तार की वजह से लोगों की जान भी इस पुल पर जा चुकी है। मेरे सहयोगी विपिन शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करूंगी। विपिन, निकाय चुनाव करीब है, कल पहले चरण का मतदान होना है और इसी निकाय चुनावों के बीच जो जोर आजमाई चल रही है, ये चल रही है कि हाँ हम विकास करेंगे, हमें आप वोट दीजिए, लेकिन पिछली बार जब लोगों ने, जिन लोगों को वोट दिया उन्होंने कितना विकास किया है, ये तो ये सड़कें बता रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं उन्नाव जिले की हैं, उन्नाव शहर की हैं, जहां पर सदर विधायक पंकज गुप्ता का आवास है और ठीक आवास के ठीक सामने हरदोई और लखनऊ मार्ग पड़ता है हरदोई पुल। उस पुल के दोनों तरफ इतने गड्ढे हो गए हैं कि लोग वहां से गुजरते हैं, आने जाने में खाता दिक्कतें होती हैं, जो तमाम जो राहगीर हैं वो चोटिल हो जाते हैं, कई गाड़ियां पलट जाती, लेकिन जो सत्ता के नेता हैं उनकी नजर इस गड्ढे इन गड्ढों पर नहीं पड़ रही। और सबसे खास बात यह है कि जिस मार्ग पे गड्ढे हैं उस मार्ग पे लगातार अधिकारी हो, नेता हो, लगातार दौरा रहता है, लेकिन किसी भी अधिकारी और किसी भी नेता की इस पर नजर नहीं पड़ती जी। बिल्कुल विपिन, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर सदर भाजपा विधायक जो है पंकज गुप्ता जी, उनके घर के बाहर भी चौराहों पर गड्ढे देखे जा रहे हैं, क्या ऐसा वाकई किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? बताया भी जा रहा है कि रोजाना इसी रास्ते से कई अधिकारी निकलते हैं, कई नेता निकलते हैं, लेकिन फिर भी इसे दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है, क्यों, किस चीज का इंतजार है? हादसे हो जाए, लोगों की जान चली जाए, तब जाकर प्रशासन की आंखें खुलेंगी? देखिए, खास बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं और सभी अधिकारियों के पेश कसे हैं, लेकिन जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन हो, जिले स्तर के जो अधिकारी हैं, उनकी लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। तो खास बात है इस मार्ग पे गड्ढे हैं हरदोई और उन्नाव लखनऊ मार्ग पे, ये पूरी तरीके से खस्ता हाल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक पुल है जो उन्नाव शहर से हरदोई पुल बना हुआ है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी, खास बात यह है कि जो सदर विधायक पंकज गुप्ता है उनके आवास के सामने ये इस मार्ग पे गड्ढे हैं और दूसरी ओर जो दूसरी छोर बताया जाता है जो पुल उतरते हैं दोनों तरफ गहरे गड्ढे गड्ढे हैं, लेकिन अधिकारी, डीएम, एसपी, नेता, विधायक, सांसद सब इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सभी अधिकारियों और नेताओं की पूरी तरीके से आंखें बंद रहती हैं। जो राहगीर हैं वो लगातार उस मार्ग से निकलते हैं, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक हादसे होते हैं। और हाल ही में अगर बात की जाए कि जो गड्ढा बना है, इस गड्ढे की वजह से पानी भर गया था बरसात की वजह से, इसकी लापरवाही के चलते एक जो ओवरलोड ट्रक था वो गड्ढे की चपेट में आने से पलट गया था। बिल्कुल विपिन, अगर इस पुल की बात करें, जिस पुल का जिक्र लगातार हो रहा है, उस पुल का निर्माण कब हुआ था, कितने साल हो चुके हैं और किस तरह का आश्वासन अब मिल रहा है, क्योंकि शिकायतें तो कई बार लोग कर चुके हैं। देखिए, हरदोई पुल जो बात करेंगे निर्माण की, काफी कई वर्षों पुराना है और खास बात है इस पर सबसे हरदोई पुल पे काफी ओवरलोड वाहन और भारी वाहन निकलते हैं जो लखनऊ की तरफ जाते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि गड्ढे होना एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पूरी तरीके से जो गड्ढे हैं, पूरी तरीके से सड़क है जर्जर हालत होती जा रही है, जो अधिकारी हैं पूरी तरीके से लीपापोती करने में नजर आते हैं, लेकिन जो बात की जाए सदर विधायक की, तो सदर विधायक की आवाज के ठीक सामने जो तस्वीरें हैं वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि सदर विधायक को भी इस मामले में ध्यान देना चाहिए, लेकिन ना तो किसी अधिकारी की नजर पड़ी ना ही किसी नेता की। बिल्कुल, और इसके अलावा देखिए, अभी निकाय चुनाव की हम बात करें तो वो भी बेहद नजदीक है, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव है, यहाँ हम दावे और वादे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त हो गई है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं हो रहा है, काम बखूबी हो रहा है, सड़कों का निर्माण भी हो रहा है, बहुत सुंदर सड़कें भी बनवाई जा रही है, लेकिन जो सड़कें खस्ता हाल में है, जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उनकी रिपेयरिंग का टाइम भी यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द से जल्द उनकी रिपेयरिंग का काम हो जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो क्यों इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उन्हें खौफ नहीं है किसी का भी? बिल्कुल, अगर बात करें जाए तो मुख्यमंत्री जो है लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरीके से आग पर काली पट्टी बांध कर बैठे हैं, ना तो उनकी नजरें इस गड्ढों पे पड़ती है, ना उनकी नजरें इस सड़कों पे पड़ती, क्योंकि रोजाना सुबह से शाम तक इसी मार्ग से गुजरते हैं, उसके बाद भी जो तस्वीरें हैं वाकई चौंकाने वाली है, क्योंकि जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की इस पर एक बड़ी नजर होनी चाहिए। सबसे खास बात है कि कल मतदान होता है और मतदान होने के पहले की जो तस्वीरें हैं वाकई में एक सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं,
एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि मतदान के एक दिन पहले जो तमाम नेता हैं, तमाम जो विधायक है, सांसद है, सत्ता पक्ष के नेता है, वो तमाम तरह के दावा करते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, तमाम तरह की योजनाएं सड़कों पर दिखेगी, लेकिन जो विधायक के आवास के सामने की तस्वीरें हैं, इससे अंदाजा लगा दीजिए किस तरह का विकास होने वाला है। जी विपिन, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो कहां कहां हालात ऐसे ही बदतर नजर आए हैं, जहां पर सड़कें तो बनी हुई लेकिन सड़कों में गड्ढे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा था कि पिछले 2 से 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा लीजिए कि गड्ढों में पानी भरा हुआ है, कभी भी हादसा हो सकता है। क्या इसकी रोकथाम के लिए कोई अधिकारी आगे आया? बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्नाव जिलाधिकारी आवास से लेकर हरदोई पुल तक पूरी तरीके से जो मार्ग है पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुका है। जर्जर हालत में जो आवास के जिलाधिकारी आवास के ठीक सामने जो बड़े गड्ढे थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, लेकिन जो छोटे गड्ढे हैं उनको अभी तक भरा नहीं गया। तो जाहिर सी बात है जो छोटे गड्ढे जो जिम्मेदार अधिकारी छोटे गड्ढों को पहले बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसकी मरम्मत करते हैं ताकि उसके लिए जो बजट आता है पूरी तरह बंद करवा। इन्हीं रास्तों से रोजाना छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है वो भी स्कूल जाते हैं। कई बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी है कि रिक्शा पर जब बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं, रिक्शा पलट जाती है, बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी अभिभावक शिकायत कई बार कर चुके हैं, लेकिन शायद अधिकारियों जो है वो कुमकर्णी नींद सोए हुए हैं, उन्हें ना तो दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है कि उनके क्षेत्र में हालात कितने बदतर हो चुके हैं। जिलाधिकारी जो है यहाँ पर पूर्वा दुबे, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि हमेशा अपने काम के लिए जानी जाती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की जाती है, जिम्मेदारों से बात करने की कोशिश, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी किसी मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो साफ तौर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार जो हादसे हो रहे हैं और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जो सत्ता पक्ष के नेता है उनकी लापरवाही देखने को मिली, लेकिन जो विधायक है सत्ता पक्ष के नेता है उनके ठीक आवास के सामने जो तस्वीरें हैं वाकई में सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि जो जो तस्वीरें हैं वाकई में हैरान करने वाली है। जी बिल्कुल, हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं, और एक बार फिर से हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन्नाव की तस्वीरें हैं। स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश लगातार हर शहर को की जा रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर दावे और वादे जो किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि सरकार की मंशा तो साफ है कि प्रदेश का विकास करना है, लेकिन अधिकारी इस मंशा पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। उन्नाव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह आपको गड्ढे मिल रहे हैं और लोग इन्हीं गड्ढों से गुजरने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि रास्ते यही हैं, इन्हीं रास्तों से होकर गुजरना है। फरमान जारी हुआ है कि इन गड्ढों को तुरंत से तुरंत भर देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो कोई अधिकारी इस पर कुछ कह रहा है और ना ही कोई विधायक इस पर कुछ कहने के लिए तैयार है। पंकज गुप्ता विधायक है, सदर विधायक भाजपा से, वो भी इस पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। विपिन, अगर बात की जाए उन्नाव की, तो उन्नाव में कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जो मुख्य मार्ग है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? उन्नाव से जो उन्नाव शहर का जो सबसे वीआईपी इलाका बोला जाता है और जिला अधिकारी आवास के सामने उस मार्ग पे गड्ढे हैं, और हरदोई पुल से उन्नाव आने वाले जो लोग लखनऊ जाने वाले मार्ग हैं उन पर बड़े गड्ढे हैं। लेकिन पूरी तरीके से बात करें जिले में कई सड़कें, तमाम सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जो सड़कों में गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जो राहगीर हैं वो लगातार चोटिल हो रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसी जो अधिकारी हैं जो नेता हैं उसी मार्ग से गुजरते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा हादसा हो तो उसके बाद गड्ढों की मरम्मत की जाए। जी ठीक है विपिन, लेकिन जो यहाँ से लोग गुजरते हैं, जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ पर, उन्होंने शिकायत कई बार की है, आश्वासन किस तरह का मिला है? देखिए, स्थानीय लोग हैं वो लगातार नेताओं से बात करते हैं, विधायक से बात करते हैं, और जो वहाँ के अधिकारी हैं उनसे भी बात की लगातार। हम लोगों ने पीडब्ल्यू बिल्कुल विपिन, और जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे उन्नाव से, उनको भी हम फोन मिला रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हालात जो इतने बदतर हैं इस पर किस तरह का ध्यान दिया जा रहा है। क्या मेरी बात अपूर्वा दुबे जी से हो रही है, जिलाधिकारी महोदय से? सर मेरी आवाज आपको मिल रही है? अपूर्वा दुबे जी से बात हो जाएगी मेरी? मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? फोन काट दिया गया। विपिन मुझे सुन पा रहे हैं आप?
बिल्कुल। लेकिन हर बार यही होता है कि हम जिलाधिकारी महोदयों को फोन मिलाते हैं, कभी वो मीटिंग में होती हैं, कभी बिजी होती हैं, कभी निरीक्षण के लिए गई होती हैं, और हर बार फोन तो उठा लिया जाता है लेकिन कभी भी अपूर्वा दुबे जी से बात नहीं हो पाती है। बिल्कुल, आपको बात अगर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली। दोबारा से हमने उन्हें फोन मिलाया है, अपूर्वा दुबे जी से क्या मेरी बात हो सकती है? सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मुझे जिलाधिकारी महोदय से बात करनी है, उनके क्षेत्र का ये मामला है और बात करनी जरूरी है। शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फोन काट दिया गया है। विपिन, शायद हो सकता है कि मेरी आवाज ना पहुंच पा रही हो, या फिर अगर आवाज जा भी रही है तो कुछ उधर से बोलने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। शायद ये मामला उनके संज्ञान में है लेकिन जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, वो तो कुछ भी सकता है। विपिन देखिए सुनारी, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो तस्वीरें हैं वाकई में हैरान करने वाली हैं, कि इस मार्ग से लगातार सुबह शाम तमाम अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी की बात हो या कप्तान की बात हो या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की बात हो, तो तमाम तरह के जो विभागीय अधिकारी इसी मार्ग से गुजरते हैं और लगातार जो तस्वीरें हैं उस गड्ढे का हिचकोले खाते हुए उनकी गाड़ियां निकलती, लेकिन जो मरम्मत की बात की जाए तो तस्वीरें उनको नहीं दिखाई देती कि जो गाड़ी से हिचकोले खा रहे हैं। अगर कहीं हादसा होता है तो आखिर इसके बाद ये तस्वीर यहाँ पर मरम्मत कार्य शुरू होगा, तो तस्वीरें वाकई में सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली, क्योंकि सबसे बड़ी बात है सत्ता पक्ष के नेताओं के, क्योंकि नेता जो सदर विधायक है पंकज गुप्ता, उनके आवास के ठीक सामने गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं पूरी तरीके से गहरी नींद में सोए हैं, ना तो कोई अधिकारी सुनने वाला है, ना कोई अधिकारी गहरी नींद में सोए हैं, विधायक जी भी गहरी नींद में सोए हैं। विधायक जी को तो जनता ने चुना था अपने क्षेत्र के विकास के लिए कि उनके क्षेत्र का विकास होगा, तो विधायक जी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों इस पूरे मामले पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं? वरुण तिवारी स्थानीय हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मैम। वरुण जी क्या समस्या है आपकी, क्योंकि तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ बहुत ही दयनीय है, गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने की कवायद शुरू हुई थी लेकिन गड्ढा युक्त सड़कें हो चुकी हैं, अब इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी जी मैम, शहर की अधिकांश सड़कें जो है बहुत गड्ढा युक्त है और विभाग एक दूसरे पर अपनी लाइबिलिटी डाल देते हैं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे गड्ढे जब बड़े और विकराल रूप ले लेते हैं तो उनको बनाया जाता है, छोटे गड्ढों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है और सड़कों पे पानी भरा रहता है, इस तरह की बहुत सी समस्याएं हमारे शहर में हैं। तो आपने कभी शिकायत नहीं की इस पूरे मामले को लेकर विधायक जी से? मैम कई बार शिकायत पूरे जिले वासी करते हैं, अब ये समझ ली ये कंडीशन है कि लोग खुद अपने घरों से ईंटें ला करके उन गड्ढों को भर रहे हैं और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने अभियान चला करके खुद ईंट डालना चालू किया है, एक एक ईंट इधर से उधर से ला करके उन गड्ढों को भर रहे हैं। लेकिन अब तो निकाय चुनाव चल रहा है, प्रत्याशी आ भी रहे होंगे वोट की अपील करने के लिए, उनको तो दिखाइए कि ये हालात है इस जगह के। ये नगर की मुख्य सड़कें हैं जो कि लोक निर्माण विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, उनसे नगर पालिका से कोई मतलब नहीं है, इनकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग और पीडब्ल्यूडी की होती है। ठीक है, उनसे कोई मतलब नहीं, वो तो आपने बात ठीक है कि उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट लेने तो आ रहे हैं ना, कम से कम वो देखेंगे आगे अपनी बात रखेंगे। जी जी जी, बात तो रखते हैं मैम, बात ही रख सकते हैं और बाकी क्या कर सकते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आपके पूरे क्षेत्र के हर सड़क का यही हाल है? जी अधिकांश सड़कों का यही हाल है। आने जाने में कितनी समस्या होती है? बहुत समस्याएं होती हैं, कभी कभी तो हम लोग बाइक से निकलते हैं तो ये कंडीशन हो जाती कि हो सकता है कि हम लोग अनियंत्रित होकर गिर भी पड़ते हैं, चोटें भी लग जाती हैं। और बरसात के मौसम सामान्यतः जी बरसात के मौसम में तो और ज्यादा विकराल समस्या, निकलना ही बंद कर देते हैं, ये समझ लीजिए जब तक पानी भरा रहता है निकलना बंद कर देते हैं। ठीक है वरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी विपिन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विपिन, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें दिक्कत होती है लेकिन वो कई बार विधायक जी से बात कर चुके हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग में भी बात कर चुके हैं, जो यहाँ पर निकाय चुनाव जो होने जा रहे हैं उनके लिए जो प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं उनसे भी उन्होंने कहा है कि आप इस और इस बात को आप आगे बढ़ाइए, आगे लेकर जाइए, बात करिए क्योंकि समस्या बहुत बड़ी है। जैसे कि उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में वो निकलना बंद कर देती है क्योंकि सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। बरसात का मौसम करीब करीब एक महीने रहता है, क्या एक महीने के लिए लोग अपना काम काज छोड़कर बैठ जाए उन्नाव में?
विपिन जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जिम्मेदार अधिकारी जो हैं पूरी तरीके से मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें वाकई में सरकारी सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि उन्नाव से हरदोई मार्ग और लखनऊ जाने वाले जो बड़े वाहन हैं इस मार्ग से इसी हरदोई पुल से गुजरते हैं, जो कि बड़े हादसे को न्योता देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो जब हरदोई पुल चढ़ते समय जो दो तस्वीरें हैं दोनों तरफ गहरे गहरे गड्ढे हो चुके हैं, और सबसे खास बात है जो जिलाधिकारी कार्यालय है, जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक सामने पूरी तरीके से बड़े बड़े गड्ढे थे, उनको पूरी तरीके से बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन जो छोटे गड्ढे हो गए हैं उनको मरम्मत करने की कोशिश नहीं की गई, जो वो जो छोटे छोटे गड्ढे थे वो इसी तरीके बरसात हल्की फुल्की बारिश में वो गड्ढे बड़े हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गड्ढे बड़े हो रहे हैं वो पूरी तरीके से हम बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी लगातार उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े इन्वेस्टर सबमिट हो रहे हैं, रोजगार मेले लग रहे हैं, इसके अलावा विकास की बात हो रही है, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, लेकिन इन छोटी छोटी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे कि इस रोड से रोजाना लोगों को गुजरना पड़ता है कहीं भी जाने के लिए, तो इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए आपको बता दें कि जो आज के समय में लोगों की जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जरूरत सबसे मूलभूत सुविधाएं होती है, नाली सरंगा सड़क सरंजा और तमाम जो सुविधा होनी चाहिए उन सुविधाओं से लोगों को आश्वस्त होना पड़ता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी बड़ी लापरवाही के चलते लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही, क्योंकि जो हरदोई मार्ग है पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुका है, जो पुल के ऊपर पहुंचेंगे तो पुल के ऊपर भी गहरे गहरे गड्ढे हो चुके, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी रोजाना इसी मार्ग से गुजरते हैं, जो पूरी तरीके से बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि जिला अधिकारी हो, जिला प्रशासन हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, सपा नेता हो, विधायक हो, सत्ता पक्ष के नेता हो, तमाम जो अधिकारी नेता हैं वो रोजाना इसी मार्ग से गुजर रहे हैं, क्योंकि आने वाला कल जो निकाय चुनाव के लिए मतदान होना है और उसके पहले जो तस्वीरें हैं वाकई में सिस्टम पर सवाल खड़ा करती हैं, क्योंकि अधिकारी जो नेता हैं किसी को तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही, जब कोई हादसा होता है तब जाके अधिकारी नींद से जागते हैं उसके बाद मैदान में उतरते हैं। जी विपिन, क्या आपकी बात हो पाई है किसी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी से? देखिए हमने लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन जो अधिकारी हैं फोन बंद कर रखे हैं, और सामने जब हमने बात करने की कोशिश की गई तो कैमरे पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, वो पूरी तरीके से जलकल विभाग के ऊपर बात कहकर पल्ला झाड़ लिया था। जी यानी बातें सुनी जा रही है लेकिन जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया जा रहा है, लेकिन कब तक विपिन? एक महीना, दो महीना, कभी ना कभी तो बड़े अधिकारियों की नजर इस पर जाएगी। देखिए सबसे खास बात है निकाय चुनाव का समय लगभग समाप्त होने वाला है, क्योंकि कल मतदान है और मतदान के पहले की जो तस्वीरें हैं वाकई सिस्टम पे सवाल खड़ा करती है, क्योंकि बार बार जो सवाल वही बातें आ रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष के जो विधायक है सदर विधायक उनके ठीक घर के सामने जिस तरह से गड्ढे बने हैं, कोशिश की है विधायक जी क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, या फिर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वोट लेकर सिर्फ घर में बैठ गए हैं? देखिए लगातार विधायक से बात करने की कोशिश की गई है, लेकिन जो पंकज गुप्ता है सदर विधायक वो चुनावी कार्यक्रम में व्यस्तता है, इसके चलते हमारे कैमरे को कोई जवाब नहीं दे पाए हैं, वो पूरी तरीके से जो लापरवाही है वो चाहे नेता हो या विधायक हो या अधिकारी हो, तो सारे अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि तस्वीरें हैं वाकई में बड़े हादसे को न्योता दे रही है। जी और एक बार फिर से तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, वो नाव की तस्वीरें हैं, ये देखिए पुल का निर्माण करवाया गया लेकिन पुल के ऊपर जो सड़क बनाई गई है वो सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिसकी वजह से रोजाना कोई ना कोई हादसा हो जाता है, लोग हर बार शिकायत करते हैं लेकिन शिकायत पर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, आश्वासन देकर सिर्फ इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जाती है। विपिन फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। तो तस्वीरें हमने आपको उन्नाव की दिखाई हैं, उन्नाव में हालात बदतर हैं और सड़कें पूरी तरह से गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार ये फरमान जारी कर रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की सड़कें हैं वो पूरी तरह से गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं आदेशों पर अधिकारी जो हैं कुछ जगहों पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।